नमस्ते सार। नमस्कार। नमस्ते। सच्चाई ये है, जीवन का सार जीवन के पार केवल परिवार ही है। कोई भी दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी हो, कोई साथ रहे या ना रहे, परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। सन 2006 में मैंने अमृतम की स्थापना की और 2016 तक बहुत कोशिशों के बाद मैं उसे चलाने में सफल नहीं हो सका और डिप्रेशन में आ गया। तब मेरे दोनों बच्चों ने मेरा साथ दिया और 2017 में अमृतम को ऑनलाइन ब्रांड बनाने का संकल्प लिया। मेरा नाम अशोक गुप्ता है। मेरा नाम अभिनम है। मेरा नाम स्तुति और हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं। अमृतम एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो ऑफर करता है पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, आपके परिवार के लिए मेड बाय आर परिवार। पुअर लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स कॉमन हो गए हैं और इसीलिए दुनिया को जरूरत है अमृतम की। इसमें हमने आयुर्वेदा के एंशिएंट साइंस को यूज करके इजी टू यूज फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं। हमारे पास कंज्यूमेबल्स और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स दोनों हैं क्योंकि अमृतम का मोटो है हेल्थ इज ब्यूटी। और ये सारे प्रोडक्ट्स पीटा, US FDA और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्टिफाइड हैं। प्रोडक्ट्स के अलावा आप हमारी वेबसाइट से डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और आज हमारे साथ 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स या अमृतम फैमिली मेंबर्स हमारी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। 40+ कंट्रीज में इंडिया के अलावा हमने अपने प्रोडक्ट शिप किए हुए हैं और 80,000 इंस्टाग्राम कम्युनिटी मेंबर्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। हमारा सपना है अमृतम को विश्वविख्यात बनाने का ताकि घर घर आयुर्वेद पहुंचे और लोगों की हेल्दी लाइफ बन सके। हमारी आस्क है 50 लैक्स एंड योर मेंटरशिप फॉर 2% इक्विटी। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। मैं अशोक जी आपसे थोड़ा और पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे स्टोरी बताई, एक तो डिप्रेशन के बारे में बोलना वही बड़प्पन होता है, तो मैं आपकी जर्नी में थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। 2006 से 2016 तक आपने कहा कि आपने अपने आप किया, तो क्यों किया और कैसे किया और फिर ये लोग आए तो तब कैसी फीलिंग आई, थोड़ा और बताइए उसके बारे में। इनके आने के बाद तो मुझे एनर्जी आ गई। मुझे मालूम ही नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है। मेरी बच्ची चूंकि मेंटल हेल्थ से इसने पढ़ाई की है, इसने मुझे समझा कि मेरे को कुछ डिप्रेशन टाइप का है क्योंकि मैं करीब 1 साल तक घर से निकला नहीं। So बेसिकली ये हमेशा 14 से 16 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं और एक पॉइंट 2016 में जब मेन सोर्स ऑफ इनकम जब चली गई तो पूरे ही एकदम हताश हो गए कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। उसी टाइम मेरे मास्टर्स खत्म हुआ था क्लिनिकल साइकोलॉजी में और मैं तो बाहर पढ़ने जाने वाली थी, बट दोनों मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। तो फिर एकदम शॉक लगा हमको। बहुत 1 साल लग गया ये रियलाइज करने में कि शायद हम दोनों को ग्वालियर वापस जाना चाहिए। तो आप दोनों ने अपनी करियर्स को डिसाइड किया एक साथ और कि वो छोड़ के आपको ये करना है, डैड को सपोर्ट। बहुत बड़ी चीज है। वाओ। मेरी शुरुआत बहुत जीरो से। मैं इसलिए बहुत पुरानी बात पे जाता हूँ तो इमोशनल हो जाता है ना। मेरी मदर को पैरालिसिस हुआ था तो मैं काफ़ी इलाज कराता था लेकिन उनको ज़्यादा आराम नहीं मिला। एक वैद्य थे और वैद्य के दवाई से उनको काफ़ी आराम मिला, वो चलने फिरने लगी। तब से मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे आयुर्वेद में कुछ ना कुछ सीखना है, करना है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं आयुर्वेद की। एक छोटी सी कंपनी में मुझे सन 83 के आसपास काम मिल गया और ऐसे करते कराते 98 के आसपास मैंने इतना मुझे अनुभव हो गया क्योंकि मैं इतने सारे वैद्यों से मिल के ये वो सीख के मैंने कुछ फार्मूले अपने कंपनी को दिए और मैंने कहा ये 20 प्रोडक्ट आप मेरे लिए आप बनाओ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मेरे जो प्रोडक्ट थे वो लगभग 15 गुना सेल बढ़ गई उसकी। और 2006 में उनके साथ थोड़ा सा खटपट हुई तो मैंने अपना काम एक किराए की जगह लेके शुरुआत कर दी। समझ गए। और मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि एकदम नया कंसेप्ट था जो अभी तक कोई हिंदुस्तान में नहीं लाया था। मैं मार्ट लेकर आया। क्या लेके आए? चटनी टाइप्स आप कह सकते हैं, हर्बल जैम। हर्बल जैम वुड बी अ गुड वर्ड। अब थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, थोड़ा बिजनेस क्या है? ये है मॉल्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना। ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है। तो ये वाला जो है ये ब्रेन के लिए है, इससे ब्रेन शार्पन होता है। हाँ। मैं तो इसको जड़ी बूटियों का काढ़ा बोलूंगा। क्या था सर ये? सॉरी, हर्ब्स है, उसके अंदर हर्ब्स है। वो ऐसा क्लीन नहीं है, मतलब ऐसा इट्स नॉट लाइक अ सिरप। तो क्लीन क्लीन करके दे देते? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे ही पीना है। ये भी पीने के लिए? नहीं नहीं, ये सर पे लगाने के, बालों के लिए है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कुंतल केयर हेयर स्पा, आपका हेयर फॉल, हेयर थिकनेस, स्मूदर शाइनियर हेयर, ऑल ऑफ इट। और इसका जो रिजल्ट है कंपेयर टू जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं नॉन आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक, उससे कितना बेटर है? मैं परसेंट तो नहीं बता पाऊंगा, बट हमारे पास बहुत सारे लोग और रिव्यूज हैं जो कहते हैं कि दिस इज लाइक एन अमेजिंग प्रोडक्ट। मुझे क्या नींद आती है और मेरे बाल एकदम बहुत थिक हो गए। बट इसमें अच्छा टेस्ट डाल देते हैं, इसमें स्मेल डाल देते हैं। हमारा मेन पर्पस आपको कॉस्मेटिकल वो नहीं देना एक्सपीरियंस। हमारा मेन पर्पस है कि आपको हम 100% आयुर्वेदिक चीज दे रहे हैं। ओके, मेक सेंस। आप टेस्ट करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, हम बोल सकते हैं कि इसमें 0.01% भी केमिकल नहीं है। प्राइस पॉइंट्स देख के लग रहा है कि आप एकदम हाई एंड पे इसको सेल कर रहे हो। ये ज्यादा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया है आपने कि ज्यादा लोकल मार्केट के लिए? लग्जरियस आयुर्वेदा है जो कामा और फॉरेस्ट, जिनका एवरेज प्राइस पॉइंट ही यू नो 1100 से 1300 है। और एक वो है जैसे डाबर या हिमालया है जो 100 से 200 पे है, ठीक है। और हम लोग को वो बीच का फिगर आउट करना था। बीच का क्या होता है ना, लोग बीच में अटक जाते हैं। जनरली मार्केट ऊपर बनता है या नीचे बनता है? करेक्ट, राइट। आपके प्राइस पॉइंट मैंने देखे, कंज्यूमेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका मॉइस्चराइजर भी था या ऑयल ऑइंटमेंट था, जो भी बोलते हैं उसको, वो 1000 रुपए का। तो जब आप कह रहे हो कि बीच का प्राइस है, वो सही नहीं है। इट्स सिमिलर टू कामा का प्राइस। एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट। मैक्सिमम और एवरेज सेलिंग पॉइंट इज अराउंड 700। आप जिस प्राइस पॉइंट पे, मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल केयर, हेयर, स्किन मिला के जिस प्राइस पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो वो अबाउट अराउंड 500-600 करोड़ का मार्केट है। एंड मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स जो बाकी ब्रांड्स उनसे मच बेटर हैं क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं। पर प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है? कंज्यूमर को नहीं समझ पड़ती है कि असली एंड जो एक्सट्रैक्ट से बना है उसमें फर्क क्या है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है आपके सामने। कंज्यूमर को क्विक फिक्स चाहिए। सब आपकी तरह पैशनेट नहीं होते आयुर्वेदा को लेकर, एंड कोई लेबल्स नहीं पड़ता है। चलिए, आप एक काम करिए, आप सेल्स बता दीजिए। तो मैं आपको 2017 से जो हमारी जर्नी रही 2019 तक, वहाँ पर हमने अमृतम फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी के अंदर काम किया। लेकिन 2019 में हमने अपनी नई कंपनी रजिस्टर कराई, उनाशी नेचर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर ब्रांड अमृतम आता है। तो आपकी 2 कंपनीज हैं? हाँ जी, वो मैन्युफैक्चरिंग हम, क्योंकि उसके अंदर एसेट है, लैंड है, व्हीकल्स है और सारी चीजें हैं। और उनाशी नेचर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पैसा किसके लिए रेस करने आया है? अमृतम ब्रांड के लिए, जो उनाशी नेचर में आती है। फिर तो 2019 से 20 हमारी जो रेवेन्यू थी वो थी 70 लाख। 2020 से 21 हमारी रेवेन्यू थी 2.6 करोड़ और 21-22 में हमारी रेवेन्यू थी 3.1 करोड़। और इस साल अभी तक हमने 1.1 करोड़ किया है और ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पे ही हम लोग। ग्रोथ क्यों रुक गई है इस साल? मेजर थिंग तो एप्पल प्राइवेसी पॉलिसी जो पिछले साल आई और उससे फेसबुक का ROAS घट गया, वो आई थिंक इट इज़ इंडस्ट्री वाइज हम सब अफेक्ट हुए हैं। तो फिलहाल आपका क्या प्रोजेक्शन है, अगले साल कितना होगा? अगर हमको फंडिंग मिलती है तो वी कैन डेफिनेटली गो अप टू 25 करोड़ नेक्स्ट ईयर एंड देन मे बी 100 करोड़ आफ्टर दैट। 3 करोड़ में प्रॉफिट कितना है? अभी हम एबिटा नेगेटिव हैं। कितना नेगेटिव है? 2021-22 में 35 लाख नेगेटिव थे। जब हमने 3.1 करोड़ का किया था और अभी हम लोग 5-8% डिफरेंट मंथ में नेगेटिव जा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉफिट में है नेगेटिव में? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉफिट में है। तो सबसे पहले तो ये जो आपने डुअल स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ, नॉन इन्वेस्टेबल है। इनफैक्ट इवन एट दिस स्केल यू कैन रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर ये कंबाइन होता तो आपके बिजनेस की वैल्यू जितना आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंवा रहे हैं इनको अलग अलग करके। अच्छा, मैंने डिसीजन बना दिया है। आयुर्वेदा का एक सेगमेंटेशन होता है, जो मासेस है वो लोग या तो डाबर और हिमालया के पास जाएंगे या कामा फॉरेस्ट एसेंशियल्स वो प्रीमियम, और मेरे जैसे है जो थोड़े बिलीवर्स हैं वो ट्रस्टेड वाइड और ट्रस्टेड स्पास के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो आपका जो है वो ना यहाँ है ना वहाँ है और ना यहाँ फिट हो रहा है। और जैसे पीयूष ने बताया ये इन्वेस्टेबल नहीं है फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पर्सपेक्टिव, सो आई एम आउट। उस कंपनी में कितना रेवेन्यू है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? 50-60 लाख है वो। और उसमें कितना प्रॉफिट है? उसमें प्रॉफिट तो ना के बराबर ही मान के चले आप। अशोक भाई, घर खर्च कैसे चल रहा है? अगर उसमें भी लॉस है और इसमें भी लॉस है। घर का खर्चा मैं बहुत, और भी शेयर मार्केट भी है। मैंने बहुत पहले से दूरदृष्टि से लैंड में इन्वेस्ट किया, मकानों में, तो किराया विराया ये वो सब हो जाता है। तो चलिए जी, खुदा की कीमत कमा रहे हैं तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सैलरी विड्रॉ मेरा खर्चा तो एक सेकंड, कहां से सैलरी विड्रॉ? उनाशी। कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं? जून तक हम 50,000 ले रहे थे, लास्ट 2 मंथ में हमने 1 लाख। आपने कोई फंडिंग ली हुई है पहले? नहीं, हमने कोई फंडिंग नहीं। अच्छा जी, गुप्ता फैमिली, मुझे नहीं लग रहा है कि आज मैं आपको कोई ऑफर दे पाऊंगा जो मीनिंगफुल रहे। आपके बिजनेस में आज भी नुकसान है, बिजनेस अभी रुक गया है ग्रो करना, इसलिए मैं आज इससे बाहर हूँ। लेकिन आपकी बहुत बहुत सफलता चाहूंगा और बस। नमस्कार। 2-3 सवाल है मेरे। तो अभी जो 1 करोड़ की सेल है इस साल की, वो कहाँ से आ रही है, कौन सी कंट्री से, कौन से चैनल से? 95% इंडिया से आ रही है, 70% हमारी वेबसाइट से आ रही है और बाकी 30% मार्केट प्लेसेस इंक्लूडेड। 1 करोड़ की सेल के लिए कितना मार्केटिंग खर्चा किया आपने? मतलब 35% मार्केटिंग खर्चा करते हैं। देखो पता है, मेरे को लगता है इसका कीवर्ड बहुत महंगा होता जा रहा है आजकल, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं। मेरे दोस्त की भी कंपनियां हैं, 3 कंपनियां, आयुर्वेदा एक्सपीरियंस, आयुर्वा, सब आ रहे हैं। तो बहुत लोग आ रहे हैं, आपको फाइट नहीं होती उनमें लेने में, क्योंकि देखो मैं आपको सच बताता हूँ, आपको सप्लाई है बिकॉज आपकी फैक्ट्री खुद की है, आपको उसमें भी फायदा हो रहा है, करेक्ट? फिर भी आप लॉस बना रहे हो, तो ये प्रॉफिटेबल होगा कैसे? तो बेसिकली अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे देखें तो हम प्रॉफिटेबल हैं, बट क्योंकि हमने अपनी रेवेन्यू से ही अपना ऐप भी डेवलप करवाया है, हम अमेजोन US पे एक्सपैंड किए तो हमें उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ा, फिर हमारी न्यू वेबसाइट भी शिफ्ट हुई, तो हमने काफ़ी सारे अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स और ये सब किया है। मुझे लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है, और मैंने ना बहुत सारी कंपनीज आयुर्वेदा में देखी हैं जो थोड़ा स्केल के बाद ना उनमें इश्यूज आना शुरू हो जाता है। तो फॉर दोज 2 रीजन, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। ये जो प्राइस पॉइंट और ये मार्केट है, ये पहली बात तो मेरा एस्टिमेट है 500-600 करोड़ का मार्केट है। अभी कम्युनिकेट करना कि आपका असली है बाकी नकली है, इवन इंस्टाग्राम पे, यू नो, यूट्यूब पे बहुत मेहनत का काम है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू शुड स्टे एट इट एंड ट्राई रनिंग इट प्रॉफिटेबली, पर एज ऑफ नाउ एट दिस स्केल। देखो मेरे को काफी इंटरेस्ट था, आप बहुत अडेप्टेबल हैं, प्रोडक्ट भी यूनिक है, ब्रांड इतना ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंट टीम है, एथिकल है, ह्यूमिलिटी है। आपको दोनों कंपनीज मर्ज कर देनी चाहिए, बट इस मंच पे अभी नंबर्स नहीं आना। मैं इंटरेस्टेड होता पर अभी मुझे इससे बाहर होना पड़ेगा, ओनली बिकॉज मैं ये मैथ नहीं कर पा रहा हूँ बिटवीन रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। बट आई विश यू वेरी बेस्ट, थैंक यू। वैसे 25-50 लाख का नुकसान फायदा तो बहुत छोटी बात है, वो सब कवर हो जाता है। अरे दिलदार आदमी हो, क्या घाटा और घाटी नहीं है तो जिंदगी क्या है। अरे वाह कोई दिक्कत नहीं, रिकवर हो जाएगा। थैंक यू सर। अच्छा।